Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, आज मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल नहीं था बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी. मेरी एक्चुअली सैटरडे से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी एंड मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी, तो उस वजह से आई वॉज आउट टुडे. ट्रेडिंग की थी मैंने, बट ज़्यादा देर नहीं, हार्डली 20-25 मिनट मैंने ट्रेडिंग की थी. सो जो आज के मेरे ट्रेड्स थे वो ये थे. रिफ्रेश करूँ अगर मैं ऑर्डर्स भी रिफ़्रेश करूँ, सो आप देख सकते हैं कुछ 9953 पे एंट्री की थी, 107 पे मैं आउट हो गया था. तो यहाँ पर मैंने निकाले थे कुछ 3377. एक दूसरा अकाउंट है यहाँ पर मैंने निकाले थे समवेयर अराउंड 2280. ठीक है, तो ऐसे करके दो अकाउंट और हैं मेरे, मतलब सारे मेरे फैमिली अकाउंट्स हैं और मेरा पर्सनल अकाउंट में आज कोई ट्रेडिंग नहीं की थी. ओके, तो अब रीज़न समझाता हूँ. देखो, अब सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं, फिर बैंक निफ्टी और फिर फिन निफ्टी. कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपका 28th को, ठीक है, ईद है, उसकी छुट्टी है. ऑलराइट, सो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रैप ट्रेडिंग पे वीडियो लेके आऊँगा, उसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ. तो वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल बनाऊँगा और आप लोगों के लिए वेडनेसडे मॉर्निंग लेके आऊँगा, जिससे आपके पास पूरी छुट्टी हो, आप आराम से वीडियो को देख सकें, कर सकें. एंड देन फिर थर्सडेज़ को आप आराम से, अगर आप अप्लाई भी करें, प्रैक्टिस करना चाहें लाइव मार्केट्स में, तो वो भी कर पाएंगे. ठीक है, सो आई विल मेक श्योर कि आपकी जो छुट्टी है वो ख़राब ना जाए. ओके, नाउ सो नाउ अब निफ्टी 50. अब एक आसान चीज़ से, एक आसान भाषा में एक चीज़ समझते हैं हम लोग. पहले 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने. ओके, और यहाँ हो क्या रहा है. फर्स्ट थिंग, ये एरिया आपका क्लियर रेजिस्टेंस है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो क्या है, वो इस एरिया के अंदर आ रहा है. ठीक है, एक बार मैं आपको एरिया मार्क करके बता देता हूँ. ये है आपका 18890 से लेके, ठीक है, 18870, ये हो गया ऊपर का एक आपका रेजिस्टेंस. और नीचे का जो सपोर्ट है वो 18660 है. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट को उसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तब कुछ चेंज होगा. ओके, और आपका जो 18860 से लेके 700 ले लो, ये आपका सपोर्ट जोन है. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज हुई है, मैं समझाता हूँ क्या. देखो, जब मार्केट नीचे जाती है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है. मार्केट हाई लोअर हाई ये बनाती है, और लोअर लो सम सॉर्ट ऑफ लोअर लो लोअर हाई टाइप का कुछ पैटर्न बनाती है, तो जो हमें कंफर्म कर देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर सपोर्ट जो है वो टिक नहीं रहा है एंड मार्केट नीचे जाने को तैयार है. ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है ये समझते हैं. देखो, सबसे पहली चीज़, ये आपके सामने ये एरिया क्लियर है. ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा. ठीक है, पूरे दिन यहीं पर घूमती रही. मेरा ट्रेड कहाँ था मैं बता देता हूँ. मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि ये जो एरियाज़ होंगे, ये एरिया हो गया, यहाँ पर ट्रैप बना था. ठीक है, उसके बाद मुझे मॉर्निंग के पास चेक करना था एक प्राइस एक्शन का ट्रैप, मुझे मिल गया था, मैंने वो ट्रेड किया था. मेरा टारगेट क्या था, ये था, बस ये मुझे मिल गया, मैं आउट हो गया था. एक बार 5 मिनट पर दिखा देता हूँ कि क्या मेरा प्लान था. देखो, मेरा प्लान ऐसा था, देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर वेट किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर लोगों को पंप किया कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगी, अब तो ये या नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, फ्लश आउट किया, दोबारा ग्रीन कैंडल आई, उन्होंने बाइंग की. जैसे ही ये लोअर हाई बना, ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ट्रैप बनना शुरू हो गया, कन्फर्म नहीं हुआ अभी. और जैसे ही ये लेवल टूटा, ठीक है, मेरा शॉर्ट रेडी हो गया था. ठीक है, सारे अकाउंट्स में शॉर्ट डाल दिए थे मैंने और इसके अराउंड मैंने एग्जिट कर लिया. ठीक है, ये 107 के अराउंड जो मेरा एग्जिट था, सारे अकाउंट्स में सेम एग्जिट था मेरा, तो उसके पास मैंने एग्जिट कर लिया बस. और मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, ये ट्रेड आया था, मैंने इसको पकड़ा और मैंने निकाला बस. ठीक है, ट्रैप बनाया, इसी ट्रैप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा. 3-4 अलग अलग टाइप के ट्रैप्स बनते हैं, वो सब डिटेल्ड वीडियो होगी, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. तो जो थोड़ा सा डिले हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ. नाउ अब आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे. ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे तो एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर लोअर हाई गुड इनफ, ठीक है, बट इस जोन के अंदर यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, अगर आप ध्यान देंगे
लोअर लोज नहीं बन रहे। और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे देखो आप क्या हो रहा है। बिग रेड कैंडल और ये क्या बन रही है, एक डोजी, एक इनसाइड बार टाइप ऑफ कैंडल बनी है। एग्जैक्ट इनसाइड बार नहीं है क्योंकि एक पॉइंट नीचे है इसके लो से, ठीक है, बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ ट्रेंड दर्शा रहा है, ठीक है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं कि गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है, इतनी बड़ी कैंडल आई आप देख सकते हैं, अच्छा खासा रिजेक्शन आया, क्या इसके बाद कोई फॉलो थ्रू आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि नीचे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव नहीं है इस लेवल पे बेचने के लिए, ठीक है। अब बायर्स को एक पुश चाहिए, ठीक है, जैसे इनको पुश मिलेगा एकदम से जो वीक सेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो गेम प्लान है वो क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहला गेम प्लान जो है आपका, वो आपका है अराउंड ये, जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूँ आपका, ठीक है, इस लेवल के पास ये हो गया। अब ये एक, चलो ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो जो गेम प्लान है वो क्या है, वो ये है कि ये जो लेवल है ना अपना, ये लेवल 18700 का, कल अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है और 18700 क्रॉस करती है तो मैं यहाँ पर बाय प्लान करूँगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड हर्डल है मेरा वो है 18740, या तो मैं यहाँ पर आके बुक कर लूँगा कुछ क्वांटिटी को, ठीक है, या फिर मैं वेट करूँगा और ट्रेलिंग एसएल लगा लूँगा, ठीक है, क्लियर है, ये भी सॉर्टेड है। जैसे ये लेवल क्लियर होगा 18740, उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल आता है वो आपका कहाँ पर आएगा, वो आपका समवॉट एट दिस लेवल आएगा, ये लेवल, ठीक है, ये भी, ये बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, छोटा हर्डल है, 18800 से लेके 20 के बीच में। और अल्टीमेट हर्डल ये है जहाँ से मार्केट घूमी है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब जो मार्केट का एंगल है वो ऑलमोस्ट आपका कुछ ऐसा बैठ रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे जब मार्केट आपका सपोर्ट के पास कुछ इस टाइप का एंगल बनाता है ना, तो चांसेस ऑफ गोइंग अपर हायर, ठीक है, और उसके बाद ये जो विक बन रही है ना, ये इस चीज़ को कंफर्म कर रही है। मेरी ये जो भी थ्योरी है, जो भी मैं इसको बोलूँ, जो मेरा गेम प्लान है, ये गलत कब होगा, जब मार्केट इस जोन के पास एक बिग कैंडल ड्रॉप देगा, जैसे कि यहाँ पर आई थी बट नीचे कोई फॉलो थ्रू नहीं था। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंडल आ जाए मॉर्निंग के अंदर, एक रेड कैंडल आ जाए, तो ये कन्फर्म हो जाएगा और मैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एंटर कर जाऊँगा और फिर मैं पुल बैक की वेट करूँगा। ऐसा कोई वीक पुल बैक आएगा और मार्केट ड्रॉप करेगी, इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड करूँगा नीचे की तरफ, ये मेरा गेम प्लान होगा। बट उस चीज़ के लिए 18660 को टूटना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि 18660 से लेके 650 का जोन ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर बार बार डिफेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई है जो उस मार्केट को यहाँ पर टूटने नहीं दे रहा, या फिर सेलर्स यहाँ पर आना नहीं चाहते बिकॉज मार्केट वो इस लेवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर इस लेवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये लेवल उनके लिए अच्छा नहीं है, तो मार्केट को इस लेवल को टेस्ट करना होगा। अब मोटी पिक्चर ये है कि इस जोन के अंदर ये आपके एजेस हैं, ठीक है, इधर मेन ट्रेडिंग होगी और इसके पास मेन ट्रेडिंग होगी, यहाँ पर बाय में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, ये इसका मतलब है। सो ये हो गया आपका निफ्टी का गेम प्लान। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज़, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि रेजिस्टेंस क्यों नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है यहाँ पर, ठीक है, इतना तो क्लियर है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ने इधर डब्लू पैटर्न बनाया है और ऊपर गई है, क्लियर है। यहाँ पर एक गैप बनाया था, इस गैप को फिल किया बट नीचे कोई फॉलो थ्रू नहीं था, तो हमने इसलिए अप्रोप्रिएट सपोर्ट इसको माना है। यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, तो अप्रोप्रिएटली हमने इसको रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पर है, मार्केट यहाँ बीच में, तो अब ये जब मार्केट बीच में रहती है जिसके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीधी आसान सी चीज़ होती है, हम लोग पहले जूम इन करेंगे और मैं इस टॉप को पकड़ लेता हूँ, जैसे मैं इस टॉप को पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर ये टॉप पकड़ लिया मैंने, और इस बॉटम को पकड़ लेते हैं हम लोग। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो रिजेक्शन लेवल है बीच में वो कहाँ पर है, तो वो आपका आता है 43700 पे, ये जोन पे, ये क्या है 43700, और ये 61.8 का जो एरिया है वो है 43800, ठीक है। तो क्लियरली
मार्केट का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है ना वो ये है, मार्केट अगर ये 43,800 का जोन क्रॉस कर लेती है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ खुलती है, थोड़ा घूमती है और क्लियर करती है इस एरिया को, तब बाइंग आना चालू होगी। ठीक है, रीज़न बीइंग यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ रिजेक्शन हो रहा है, तो इस जोन को क्लियर करना पड़ेगा। कायदे से ये सब नॉन ट्रेडेबल जोन्स हैं, यहाँ पर आप उंगली मत मारिएगा। आपके पास जो ट्रेडेबल जोन्स है ना वो क्या है कि मार्केट को इस जोन को क्लियर करना पड़ेगा, या फिर यहीं से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर अपने को ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे। तो एक ये है, मतलब बाय एरिया है ये अपना, ठीक है, एक यहाँ पर बाय आएगा इस जोन के ऊपर जो कि है आपका 43,800, या फिर इसी जोन के अंदर ये 43,800 से लेकर 700 के बीच में सेलिंग बने, जैसे आज मैंने निफ्टी में की थी, एक रेजिस्टेंस पकड़ा था उस पर सेलिंग की मैंने, जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर मार्केट्स को क्लियर नहीं कर पाती है तो यहाँ पर हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके गेम प्लान्स है, और अल्टीमेटली इस जोन के ऊपर ये 44,100 के ऊपर हमारा जो अगर प्राइस के ऊपर ट्रेड करती है तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आपका बायर्स की तरफ आना चालू होगा, और बायर्स जो हैं वो थोड़ा सीरियस होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक एरिया है, ये बहुत अच्छा एरिया होगा क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, अगर इस ये एरिया टिकता है और वीक सेलिंग हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्विंग वाली। ठीक है, इधर ट्रेड हल्के लेने हैं, हैवी ट्रेड्स नहीं लेने, बिकॉज हम एक बड़ी रेंज के अंदर हैं। ये टॉप है आपका 44,100 का, और ये जो बॉटम है ये आपका 43,350 के अराउंड, तो मोटा मोटी आप लेके चलो 700-800 पॉइंट की रेंज के अंदर है हम, तो उसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो उसका 50% और 61.8 है ना, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इनिशियली, और अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है तब ये काम करेगा सपोर्ट का। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आप लोग अगर ए वी वैप फॉलो करते हैं, आपने वो वीडियो देखी है ए वी वैप वाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 700 के पास ही आ रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रिपीट किया था इस चीज़ को, तो आप ये लगा के देखिएगा। और नहीं पता ए वी वैप क्या होता है तो वीडियो जाके देखिए, मैंने अपलोड की हुई है। ओके, अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में क्या हो रहा है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ फिन निफ्टी के अंदर, ये देखिए आप फिन निफ्टी के अंदर ये हो रहा है। फिन निफ्टी में यहाँ पर क्या बना है, इधर मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रही है, ये देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, यहाँ पर क्या बना रही है, हायर लोज बना रही है, लो हायर लो, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने हायर हाई बनाए हैं, और यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, सम सॉर्ट ऑफ आपका लोअर लोज बना रही है, बट रिजेक्शन भी हो रहा है, और मार्केट फिर दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ जा रही है। ठीक है, तो मे बी ये ट्रैप हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो अब गेम प्लान क्या है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज के अंदर आप देख सकते हैं ये चीज़। फिन निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 19,500 का, तो जब तक ये 19,500 के ऊपर है यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर आप देखेंगे ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, अगर मार्केट इस जोन को टिका लेती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट आता है 19,600 से लेके 620 के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 19,700 का है। तो ये आपका गेम प्लान है। इसके नीचे मैं तभी ट्रेड करूँगा जब मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करती है। ठीक है, लोअर हाई बनाती है और फिर ब्रेक करती है, इस ब्रेक पे ही मैं ट्रेड लूँगा। मैं डायरेक्टली पहली कैंडल के ड्रॉप पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, किसके नीचे, 19,500 के नीचे। तो ये जो एरिया है ना जहाँ पर क्या बनाया था, ट्रैप बनाया था, किसके लिए, बायर्स के लिए। जिन लोगों ने इस कैंडल को देख के बुलिश एनगल्फिंग सोच के बाय किया, इनको यहाँ ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गई। अब अगर एक रेड कैंडल बनती है तो कहीं पर ये ना हो कि इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए कर रहे हो ये चीज़, राइट, या फिर यहाँ पर नए सेलर्स को ट्रैप करने के लिए कर रहे हो ये चीज़, तो मुझे एक कन्फर्मेशन चाहिए होगी किसकी, एक लोअर हाई की। ठीक है, तो एक लोअर हाई बनेगा यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा। दो अगर आप देखेंगे यहाँ से हाई लोअर हाई यही बन रहा है, बट हम लोग एक सपोर्ट जोन पे, तो सपोर्ट जोन जब भी टूटता है तो एक लोअर हाई टाइप का कुछ पैटर्न बन जाए तो ज़्यादा आसानी रहती है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको वीडियो पसंद आई होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात की है, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ मैं। आज अवेलेबल नहीं था, कल आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, कल मैं आपको वहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, टिप नहीं देता हूँ, तो मेक श्योर आप टिप्स के लिए ना आए, एंड जो लोग नए हैं चैनल पे, आप जाके जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, पूरा कोर्स बनाया हुआ है मैंने, जाके उस कोर्स को फॉलो करिए, अपने बेसिक्स सही करिए,
एडवांस क्लासेस भी हैं वहाँ पर, तो सारी चीज़ें जाके देखें उसके अंदर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड जो वीडियो है ट्रैप ट्रेडिंग की वो वेडनेसडे को आएगी मॉर्निंग में, ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।